विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी के बीच इस वक्त जो विवाद है सब जान रहा है, मगर उसी बीच विवेक बिंद्रा जो मोटिवेशनल स्पीकर है वह एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। वो उनकी बड़ी मुसीबत यह है कि वह जो है कि अपने पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। दरअसल आपको बता दें, उनकी शादी 6 दिसंबर 2023 को हुई थी। एक सप्ताह भी नहीं बीता, अपने पत्नी के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दिए। वह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उनकी पत्नी अपनी पत्नी को इस तरह से मारे कि कान का पर्दा फट गया और कई तरह से जो है कि उन्हें जो है कि चोटें आई हैं। मतलब जो मोटिवेशन स्पीकर हैं वो खुद और उनको ही जो है कि मोटिवेशन की कमी पड़ गई है। जो दूसरे को सिखाते हैं, जो दूसरे को मोटिवेट करते हैं, उनको ही उस चीज की कमी पड़ गई कि आप अपने पत्नी के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। आप इतने बड़े यूट्यूबर होकर के लोगों को मोटिवेट करने वाले जैसे हो करके आप इस तरह का हरकत करेंगे तो लोगों पर उसका जो है कि आपकी व्यूअर्स के ऊपर क्या ही असर पड़ेगा। खैर जो है कि उसके बाद जब जिस तरह से पत्नी के साथ प्रताड़ित उन्होंने किया पत्नी को अपने, उसके बाद उन्हें जो है कि नोएडा में उनके खिलाफ जो है कि FIR दर्ज करा ली गई है। मगर मोटिवेशनल स्पीकर इतने जो है कि सेंसियर इंसान हो करके, इतने सारे उनके जो है फॉलोअर्स हैं, लोग क्या सीखेंगे, ऐसे लोगों को क्या ही कह सकते हैं। जो दूसरों को तो सीख देते हैं मगर खुद में जो है कि उसकी कमी जो है कि उनकी रह जाती है। एक सेकंड प्रॉपरली दिखाओगे इसकी, ये पूरा हाथ पे जो मुझे कट दिखा रहा है ना, मेरा यही पड़ते गए 30-40 मारे हैं तो मेरे को ना वर्टिगो की दिक्कत मेरी वापस। अरे एक सेकंड रिपीट मत कर एक चीज को, ये देखिए कट दिखा, ये कट देखो सर दिखाया गया।